एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि हार्प ऑन क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड हार्प एक नाउन है और एक वर्ब भी है। जब वर्ड हार्प का इस्तेमाल एक नाउन के जैसे करते हैं तो इसका मीनिंग होता है बीन। बीन मतलब अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप मूवीज में बीन बजाते हुए देखे होंगे। तो वर्ड हार्प का मतलब होता है बीन। लेकिन अगर इस वर्ड का यूज हम एक वर्ब की तरह करें तो इसका दो मीनिंग होता है। पहला, बीन बजाना, जैसा कि मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक सपेरा बीन बजा रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ स्नेक चार्मर इज हार्पिंग, यानी एक सपेरा बीन बजा रहा है। अगर आपको कहना हो कि कौन बीन बजा रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु इज हार्पिंग, यानी बीन कौन बजा रहा है। अगर आपको कहना हो कि मैं बीन नहीं बजा रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉट हार्पिंग, यानी मैं बीन नहीं बजा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सीखा कि वर्ड हार्प का मतलब होता है बीन बजाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड हार्प का मतलब रट लगाना भी होता है, यानी किसी बात को रट लगाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह नुकसान का लगातार रट लगा रहा है, यानी कोई नुकसान हो गया है तो कोई आदमी उस नुकसान को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार बोल रहा है। तो जब आपको कहना हो किसी चीज की रट लगाना, बार बार बोलना, तो वहाँ पर आप कहेंगे हार्प ऑन, यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वह बार बार नुकसान का रट लगा रहा है। ही इज कॉन्स्टेंटली हार्पिंग ऑन द लॉस, यानी वह नुकसान का बार बार रट लगा रहा है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज कॉन्स्टेंटली हार्पिंग ऑन अबाउट द लॉस, यानी ऑन के बाद आप अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी करना इसेंशियल नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही है। अगर आपको कहना हो कि वह बार बार मेरी कमियों को गिना रही है या मेरी कमियों को सुना रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज कॉन्स्टेंटली हार्पिंग ऑन माई शॉर्ट कमिंग्स, यानी वह बार बार मेरे कमियों को गिना रही है या मेरी कमियों को रट लगा रही है या बार बार मेरे कमियों को रिपीट कर रही है। अगर आपको कहना हो उसे बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए या इस बात को दोहराना नहीं चाहिए तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी शुड नॉट हार्प ऑन दिस थिंग, यानी उसे बार बार इस चीज को दोहराना नहीं चाहिए या बार बार इस चीज की रट नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि हार्प ऑन क्या है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।